नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन। बिहार में लगातार बढ़ रहे आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने आज लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की। अयकड़े मार्ग स्थित संकल्प में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और डीजीपी एसके सिंघल समेत पुलिस और प्रशासन के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। आज हुई इस समीक्षा बैठक में पिछले दिनों सामने आए बड़े आपराधिक मामलों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही दुर्गा पूजा में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दरअसल बढ़ते अपराध को लेकर सरकार की भारी फजीहत हो रही है। राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही विपक्ष यह सवाल उठा रहा है कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है। राजधानी पटना समेत राज्य के तमाम जिलों में अपराध की घटनाओं को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर बना हुआ है। हाल के दिनों में ही हत्या और लूट समेत अपराध की अन्य घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही बिहार इन्वेस्टर्स मीट में शामिल होने पटना पहुंचे उद्योगपतियों ने भी अपराध को लेकर सरकार से सवाल पूछा था, जिस पर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि वे बिहार में उद्योग लगाए, सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराएगी। तेजस्वी यादव ने कहा था कि महागठबंधन की सरकार में किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, जहां भी जरूरत होगी रातों रात पुलिस चौकी खुलवा दी जाएगी। जिस वक्त सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव उद्योगपतियों को भरोसा दिला रहे थे कि बिहार में किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, उसी वक्त राजधानी पटना के भेटा में अवैध बालू उठाव को लेकर दो पक्षों के बीच ताबड़तोड़ गोलियां चली थी। वर्चस्व को लेकर हुई इस गोलीबारी की घटना में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि गोली लगने से कई लोग घायल भी हो गए थे। वहीं वारदात के दूसरे दिन पुलिस जब दियारा इलाके में छापेमारी करने पहुंची तो बेखौफ बदमाशों ने एएसपी समेत पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद आज यानी कि शनिवार को नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।